न्यायपालिका में जजों की कमी बड़ी समस्या बनी हुई है। कई पूर्व चीफ जस्टिस से लेकर वर्तमान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई तक इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। वहीं अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई और सरकार से कहा कि जजों की कमी का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। देश की विभिन्न अदालतों में करीब 3 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। जिला अदालतों में 2.8 करोड़ मामलों की सुनवाई के लिए जज नहीं है। वहीं हाई कोर्ट में 40 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय में देखें तो यहां 58,000 मामले पेंडिंग है। न्यायपालिका की स्थिति को लेकर कई बार आवाज उठाई जा चुकी है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी इस पर चिंता जाहिर की और इसके लिए केंद्र सरकार को तुरंत कदम उठाने को कहा है। दरअसल हाईकोर्ट के कुछ जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम की अहम बैठक हुई थी, जिसमें कॉलेजियम ने सरकार से गुजरात हाईकोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारी विष्णु कुमार प्रभुदास पटेल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए वकील अमित नेगी के नाम की फिर से सिफारिश की है। कॉलेजियम ने कहा है कि सरकार ने नामों पर एतराज जताया था, उन पर विचार करने के बावजूद कोई तथ्य नहीं मिला, इसलिए नामों पर हरी झंडी दी जाए। साथ ही इस बैठक में 2016 से 2018 के बीच जजों की नियुक्ति की सिफारिशों पर भी चर्चा की गई और इन पर विचार के बाद सरकार को कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।